चैनल, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज बहुत दिनों के बाद मैं करने वाली हूँ एक हॉल वीडियो, जो कि आपको मेरा टाइटल देखकर पता चल ही होगा। और आज मैं करूंगी मीशो हॉल वीडियो। मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से कुछ ऑर्डर किया है। मैंने बहुत ज्यादा सुना था मीशो के बारे में पर कभी भी कुछ ऑर्डर नहीं किया था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज्यादा नर्वस भी, क्योंकि बहुत कम रेट में बहुत कुछ मिलता है। तो अभी ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और मेरा मीशो से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो आप धीरे धीरे मेरे साथ देखते रहोगे। ये सारी चीजें जो मैंने मीशो से ली है, इनको अनबॉक्स करते हैं। पर मैं सबको ओपन कर चुकी हूँ क्योंकि इनकी जो रिटर्न करने की पॉलिसी है वो सिर्फ 7 डेज की है और ये सारे पार्सल मुझे एक दिन में रिसीव नहीं हुए है। तो मैं सबको एक बार देख चुकी हूँ बट मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पहली चीज है ये कुर्ता। ये उसमें देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और ये आया भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कुर्ता है, ये मैं आपको पहनकर दिखा देती हूँ। और ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। व्हाइट क्लॉथ है, व्हाइट क्लॉथ ज्यादातर सी थ्रू होते हैं, इतना ज्यादा सी थ्रू भी नहीं है। और इसके प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है। एकदम ये पतला वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सारे प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन में कहीं ना कहीं दिखा दूंगी। सेकंड है, पता नहीं क्या है, ओ ये इयररिंग्स, ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगे थे। कितने सुंदर लग रहे हैं ये इयररिंग्स। नेक्स्ट है ये स्लीपर्स, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इयरिंग्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये वेलवेट का क्लॉथ है और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कहीं से भी कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। मेरे पास जितना भी सामान आया उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, लकीली। मेरा मीशो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, तो आप ये सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हो और सबका लिंक मैं ट्राई करूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। और नेक्स्ट चीज अनबॉक्स करते हैं। ये टम्बलर मैंने लिया था, इसको मैं यूज करना चाह रही थी बहुत दिनों से, बट सिर्फ इसलिए कि मुझे वीडियो बनाना और आप लोगों को दिखाना, मैंने अब तक इसे यूज भी नहीं किया था। ये टम्बलर भी मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंचा है और इसकी पैकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी की हुई थी, लकीली ये भी मेरे पास बिना टूटे फूटे पहुंच गया है। नेक्स्ट है ये बेडशीट। ये बेडशीट मुझे बहुत बहुत पसंद आई। जो मैंने देखी थी तो मुझे लगा था थोड़ा वाइट है, बड़ी थोड़ा क्रीमिश है, पर फिर बहुत ज्यादा अच्छी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे इसका लगा, ये 5-पीस सेट था। मुझे लगा था बेडशीट के साथ शायद कुशन कवर्स आएंगे बट बेडशीट के साथ कुशन आ गए, तो ये तो मुझे बहुत मजा आया। और ये कुशन भी बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम, थोड़े छोटे हैं बट ठीक है। और ये इसके पिलो कवर्स है, इसका भी जो ये वाला है आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर कैसा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। और ये बेडशीट है। बहुत ज्यादा कम रेट में मुझे सारी चीजें मिली और अगर यही क्वालिटी मैं किसी और जगह पर देखती तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो चीजें मिलती, क्योंकि क्वालिटी ट्रस्ट में बहुत अच्छी आई है। हो सकता है जो चीजें मैंने ऑर्डर की उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही हो पर मेरे पास अच्छी है। कि मैंने कर्टन्स ऑर्डर किए हैं, मुझे अपने हॉल के लिए और वीआरओ के रूम के लिए कर्टन्स चाहिए थे, तो ये सेम कर्टन्स मेरे पास ऑलरेडी मेरे हॉल में लगे हुए हैं, बट मुझे विंडो के लिए चाहिए थे क्योंकि विंडो के कर्टन्स इस घर पे छोटे पड़ रहे थे। और जो ये सेम कर्टन्स मेरे पास रखे हैं ये मैंने डीमार्ट से लिए थे और डीमार्ट पे और अमेजोन पे दोनों का रेट सेम है। और मैंने जो ये लिए हैं हाफ रेट में लिए, आई गेस मैंने ये 116 के 2 या 1 लिया है, मुझे याद नहीं, आई गेस 1 लिया है 116 का, या कुछ भी जो भी रेट होगा मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। और मैंने इसके डबल प्राइस पे ये कर्टन डीमार्ट से लिया था और सेम क्वालिटी है, एकदम सेम क्वालिटी। तो अगर कोई भी ये कर्टन लेना चाहता है तो वो मीशो से ले सकता है। और बिल्कुल सेम ऐसा ही कर्टन मैंने पिंक कलर में भी लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे मैच करना था। ये भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये कर्टन मैंने लिया वीआरओ के रूम के लिए, ये थोड़ा अलग है, ये वैसा कर्टन नहीं है, है व्हाइट कलर का बट अलग है। और इसके साथ मैंने लिया है पिंक कलर के,
कर्टन्स, ये भी मैं आपको लगा कर दिखा दूंगी, ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट एक ये कड़ा ब्रेसलेट क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ भी भूल लो, ये मैंने लिया था। ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरे पास बहुत ज्यादा है, बट मैंने कभी भी मीशो से नहीं ली थी, और फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से ली तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा सस्ती आई, जैसे तो 80 रुपीज की थी इसका तो मुझे याद है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो भी मैंने आज तक ली है मैंने लोकल स्टोर से ली, और लोकल स्टोर में अगर मैं ये लेना चाहती तो शायद मुझे 300-400 का मिलता, क्योंकि मैं सेम एक लेकर आई हूँ आई गेस 350 का या 450 का, मुझे याद नहीं है, और ये मुझे सिर्फ 80 रुपीज में मिला है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये बहुत अच्छे से भी पैक होकर आया था, तो ये भी एक अच्छी चीज है। ये मैंने चॉपस्टिक्स ऑर्डर की थी, मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी, ये मैंने सोचा था कि शायद एक ही आने वाली है, बट मुझे दो चॉपस्टिक्स इसमें मिली तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ गया, तो ये दो चॉपस्टिक्स है। और ये तो मॉपसर, यू नो शादी हो जाने के बाद आपको किचन की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये भी मुझे इनका रेट तो नहीं पता कि कितना है, बट ये मुझे 10 का पैक मिल रहा था, और मुझे मेरे हिसाब से वो सस्ता ही था, तो मैंने ये भी ले लिया। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मीशो से शॉपिंग करने का वो इतना ज़्यादा अच्छा रहा है कि मैं बहुत जल्दी और भी बहुत कुछ लेने वाली हूँ, ऑलरेडी मैं कार्ट में बहुत कुछ ऐड कर चुकी हूँ, और जो भी मैं लूंगी उसका भी हॉल में ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी तब भी अपना एक्सपीरियंस। और के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।